नीतीश किस का सही नहीं है, वो बदलू हुए नीतीश कि इधर के उधर हो जाता है। बाकी लोगों की समझदारी होनी चाहिए कि हर बार फिर भी उसे ही बताते हैं। नीतीश जी काम देते हैं ना, बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, इसमें आम जनता ही पिसती है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे राजनीति में भी दल बदल रहे हैं। जी हाँ, बात करें बिहार की तो अब बीते दिनों जो बिहार में भूचाल आया उसे देखकर हर राजनीतिक दल में एक अलग हड़कंप है। जी हाँ, नीतीश सरकार अब बीजेपी के साथ बनी हुई है, ऐसे में जनता की क्या राय है जानते हैं जनता से। कभी 6 महीना उधर 6 महीना उधर, एक कभी ये नुकसानदायक है हमारे बिहार सरकार उसकी। बिहार के मतलब ये चीज बिहार के लिए नुकसानदायक है, और कहीं भी रहे तो इकट्ठे रहे, एक जगह रहे, परमानेंट रहे। जनता ये भी सोचे कि हम कुछ काम कर दिखा कि तो बाद में 6 महीने में कहोगे बीजेपी वाले नुकसान कर रहे हैं, 6 महीने रहोगे आपको आरजेडी वाले नुकसान करे, विकास कुछ होगा नहीं, जब से एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार का जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो बहुत लाजवाब है, माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन है। एक कहावत है हमारे यहाँ पे बिहार में कि यहाँ बच्चा जो है ना पेट से पॉलिटिक्स सीखे के पैदा होता है, तो ये चीज़ ना बिहार के पॉलिटिक्स में भी आप देखो करेंटली वो चीज़ हो रहा है। चाहे हमारे आप नीतीश बाबू को देख लो, नीतीश बाबू हमारे पहले बीजेपी के साथ थे 17 साल, फिर उन्होंने देखा कि उनको PM कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है तो वो आ गए RJD के साथ, महागठबंधन बनाए, वहाँ भी उनका दाल नहीं गला, तो फिर वो उनको लगा कि उनकी लोकप्रियता घट रही है तेजस्वी की बढ़ रही है, तो फिर वहाँ से हटके बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस। कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, पब्लिक के बारे में, बिहार के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल ही भूल गए हैं, चाहे वो नीतीश सरकार हो या फिर कोई और हो। ठीक है, जहाँ तक बात करी मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जो अभी तक मैं नीतीश जी का देख पा रहा हूँ, जो रवैया उनका रहा है, ठीक है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सरकार किसी की बने, किसी भी पार्टी की बने, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू रहेंगे। उनका सीधा सा मानना है, उनका दायित्व तो खुद का कहता है कि भाई हम ही सरकार के मतलब CM के कैंडिडेट हैं और हम ही रहेंगे। अपनी अकेले चुनाव लड़े तो अच्छा रहेगा बीजेपी के लिए। नीतीश किसका सही नहीं है, वो बदलू हुए नीतीश कि इधर के उधर हो जाता है, कभी बीजेपी में कभी कहीं पे, तो ये तो पलटू राम ही है। अब बाकी लोगों की समझदारी होनी चाहिए कि हर बार फिर भी उसे ही जिताते हैं, अब एक बार पलट गया फिर उसको वो कर रहे हैं, और बिहार का तो कुछ सुधार हो नहीं रहा किया, लेकिन पूरा ठीक नहीं किया। लड़कियों को पढ़ाने का मौका दिया, ठीक किया, लेकिन वहीं पे लड़कियों जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ के मास्टर बच्चों को बिल्कुल ना के बराबर ही नहीं पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल में जो सरकारी स्कूल में है नहीं पढ़ाते हैं। और गालियाँ तो मिल रही हैं लोगों की, बाकी बीजेपी को तो आना ही है, आगे भी आना है, इसकी निकल जाएगी उम्र 5-7 साल और है, आगे क्या करना है फिर इसने। ऐसे में अगर फिर पलट गए तो? नहीं, पलटेगा फिर पलटेगा, फिर उसके बाद क्या जरूरत है इसको? ये उनका एक तरह से ये खेला हो गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, काम नहीं करना, कभी दल बदलना ही काम रह गया उनका, बस यही है बस। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। जी हाँ, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तो पब्लिक को चाहिए, यही सब चीज़ तो जरूरत है। सबसे पहले रोजगार मिलेगा जब गरीब आदमी का भी रोजगार करके अपना पेट भर सकता है। कहते तो हैं करते नहीं है ना। कई बार हमारे नीतीश जी ने बताए कि हम सरकार में आएंगे तो हम अपने यहाँ उद्योग धंधा को बढ़ावा देंगे, हम अपने बिहारी भाई को जो है और शहर में नहीं भेजेंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, जो नहीं कहना चाहिए उस तरह की जो पलायन बरकरार है। बिल्कुल जी, पलायन उससे कहीं से उस पहले से ज़्यादा बरकरार है, तो इन चीज़ों पर सरकार को सोचना होगा। नीतीश जी काम देते हैं ना, BJP देती है ना कांग्रेस देती है, इसमें आम जनता ही पिसती है। मतलब सरकारें जब इधर से उधर होती है तो नुकसान सरकार का जनता का ही है, जनता का 100% जनता का नुकसान है, इसमें सरकार का नहीं है। नीतीश सरकार के फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी गई, तो कहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये फैसला सही है, किसी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तो किसी ने कहा कि ये फिर दोबारा पलट जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, कैमरा पर्सन विवेक वर्मा के साथ मैं दीपक कुमार।